नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितिन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबर। बिहार के पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड पीपरा चौक स्थित नवदुर्गा खाद भंडार, जिसका लाइसेंस संख्या 1976 है, दुकानदार निताई सरकार किसानों से यूरिया सरकारी दाम में से अधिक 500 रुपए लेकर 700 तक प्रति बोरी यूरिया खाद बेच रहा है और किसान खरीदने के लिए मजबूर हैं। इसकी शिकायत धनौजी पंचायत के दर्जनों किसान प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रखंड कार्यालय के प्रधान लिपिक राम कुमार महतो ने बताया है कि उक्त आवेदन को कृषि पदाधिकारी को जांच के लिए दिया गया है। वहीं कृषि पदाधिकारी वीरेंद्र प्रताप ने बताया कि अभी जांच नहीं किया गया है क्योंकि गंतव्य स्थान पर जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं है। इस तरह गौनाहा प्रखंड में किसान यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। बिचवोलिया किसानों ने शोषण कर मालोमाल हो रहे हैं। वहीं किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इति बिहार के पश्चिमी चंपारण से आशिक हुसैन की रिपोर्ट। आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। सर का परिचय। मेरा प्रखंड कृषि पदाधिकारी गौना है। नाम क्या हुआ सर का? वीरेंद्र प्रताप। दुर्गा मेसर्स खाद भंडार पिपरा का जो शिकायत है लोगों का कि 600, 700, 500 रुपया लेकर के ये खाद का बिक्री किए हैं जबकि लाइसेंसधारी हैं, और वीडियो से आपके यहाँ आवेदन पड़ा हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है सर? आएगा तो जांच करेंगे, ऐसा कोई हमको अभी जानकारी नहीं है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।